बाकी के रुपए कहाँ है कृष्ण? क्या क्या पूछा आपने साहब जी? मैं पूछ रहा हूँ कि बाकी के रुपए कहाँ है? ये आप पूछ रहे हैं साहब जी? अपने देखो कृष्ण, गलती हर इंसान से होती है। तुम मुझे सही सही बता दो कि गहने तुमने कहाँ बेचे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अब कहने के लिए बाकी क्या है साहब जी? एक छोटा सा सवाल पूछ के आपने बहुत कुछ कह दिया है साहब जी। कृष्णा, बात को आगे मत बढ़ाओ। बात आगे बढ़ चुकी है साहब जी, बात आगे बढ़ चुकी है। अब तो आप पुलिस को ही बुलाइए। वो जब हमें कुत्ते की तरह मार मार के हमसे पूछेगी ना, अब तो हम तभी बताएंगे कि हम मैंने कहां बेच कर आए। साहब मत कहो मुझे साहब जी। इसी साहब जी की इज्जत आज तुमने मिट्टी में मिला थी। क्या कुछ नहीं किया था मैंने तुम्हारे लिए, उसका मुझे तुमने ये बतला दिया। अरे भैया, हट जाओ ज्योति। जिस दिन मेरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई थी और मैं बर्बाद हो गया था, मुझे उतना दुख नहीं हुआ था कृष्णा, जितना आज हुआ जब तुमने इस घर में चोरी की है। साहब जी, बचपन में जब हमारे माँ बाप मर गए थे ना और हम अनाथ हो गए थे ना, तब भी हमें इतना दुख नहीं हुआ था जितना दुख हमें आज हुआ है जब आपने हमें चोर कहा। साहब जी, आपने हमें चोर कैसे कहा? साहब जी, और ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। दूर हो जा, मेरी नजरों से दूर हो जा, निकल जा। अरे इस घर से ही क्या, इस गांव को ही छोड़कर चले जाएंगे? अरे मुझ अनाथ का क्या है, काट लेंगे अपनी जिंदगी कहीं भी। इतने साल इस घर में बेफिक्री से यह समझकर काट लिए कि साहब जी का हाथ है हमारे सर पर। अब हम जान गए कि इस दुनिया में अनाथ का कोई नहीं होता। हम जा रहे हैं साहब जी, और इस घर में कभी नहीं आएंगे। अभी निकल जा। दोबारा इस घर की दहलीज में कदम भी रखा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू।